नमस्कार, मैं देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ और हमारा ये कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो ये हमारा काम है तो और सिल्क और ऊल ब्लेंड करके हम लोग इस शॉल स्टॉल और मफलर आदि को बनाते हैं और कपड़ा और स्पन धागे से बनाते हैं। मलबरी धागा हमारा अपना होता है, हमारी यहाँ फैक्ट्री बनी है, वहाँ रेशम का कीड़ा पाला जाता है, उससे धागा तैयार किया जाता है, रील करके उससे हम कपड़ा बनवाते हैं और इसके लिए हम लोगों से बुनकरों से काम करवाते हैं, उनको अपना धागा देते हैं और उनको लेबर चार्ज पर पीस के हिसाब से उनको दिया जाता है। और उसके बाद जैसे इस तरीके के ये जो कपड़े हैं, ये शॉल है, ये स्टॉल है और इस तरीके इन पर ये डिजाइन हम लोग खुद अपना एक उत्तराखंड में ही एक ऐसा जो है कि जो ऊल के साथ सिल्क ब्लेंड किया जाता है और कहीं नहीं होता ये चीज़। हम लोगों ने अपना नया निकाला है। अपने बुनकरों को पहले हमने मोटा काम करते थे यहाँ पे, तो मोटा काम करते थे तो उसके लिए मोटा इसलिए हमने उन्हें सिल्क में काम करना सिखाया और काफ़ी उनको फायदा होता है। हमारा फेडरेशन इसको बेचता है और जगह जगह प्रदर्शनों ले जाता है, उनको ऑर्डर देता है और बुनकरों को लाभ पहुंचाता है। हमारे साथ बहुत ट्राइबल बुनकर जुड़े हुए हैं और कीट पालन करते हैं और इस प्रकार के अन्य काम हम उनको काफ़ी मतलब फायदा दिलाते हैं और बाकी बाज़ार में बिक्रय किया जाता है। और धन्यवाद, नमस्कार।